हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR रिजोल्यूशन में। आज की वीडियो में हम CA125 ब्लड टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे, जैसे कि CA125 ब्लड टेस्ट क्या होता है, यह किन कारणों से कराया जाता है, इस ब्लड टेस्ट को कैसे किया जाता है, मीन्स यूरिन के थ्रू किया जाता है या ब्लड के थ्रू किया जाता है। इस टेस्ट को कराने जाने से पहले क्या कोई खास तैयारी की ज़रूरत होती है, CA125 टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, CA125 जो टेस्ट होता है वो कौन कौन से कैंसर्स में इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू से जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर कैंसर नहीं है तो भी CA125 की जो वैल्यू है वो किन कारणों से बढ़ सकती है, ओवरीज में जो कैंसर होता है या CA125 की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल से बढ़ी हुई कब कब हो सकते हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें CA125 की वैल्यूज़ जो है वो बढ़ी हुई आ सकती है, रिस्क फैक्टर ऑफ CA125 होने के कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन से स्तर हैं जब CA125 होता है। CA125 ब्लड टेस्ट क्या होता है, CA125 जो टेस्ट होता है एक प्रोटीन जो ओवेरियन कैंसर के सेल्स के स्तर पर पाया जाता है, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो ओवरी कैंसर की सेल्स पर जो है स्तर पर पाया जाता है। यह टेस्ट किन कारणों से कराया जाता है, तो यह टेस्ट अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कराया जाता है, उसका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस वक्त पे यह टेस्ट कराया जाता है, और अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर को लगता है कि उसे कैंसर वगैरह तो नहीं है उस कंडीशन में भी जो है CA125 का टेस्ट कराया जाता है, रूटीन चेकअप में भी यह टेस्ट कराया जाता है, मीन्स अगर किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट चल रहा है तो बीच बीच में डॉक्टर जो है हर 3 मंथ्स 2 मंथ्स के अंदर ये टेस्ट कराते हैं कि वैल्यूज़ चेक करने के लिए, वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है, तो CA125 टेस्ट जो होता है वो ब्लड के थ्रू किया जाता है, हमारे फोरआर्म जो होती है हम वहाँ से सैंपल लिया जाता है एंड ग्रीन ट्यूब जो होती है उसमें सैंपल जो है कलेक्ट किया जाता है। इस टेस्ट से पहले किसी खास तैयारी की ज़रूरत होती है क्या, तो नहीं, कोई भी खास तैयारी की ज़रूरत इस टेस्ट से पहले नहीं होती है, आप रैंडमली कभी भी जाके ये टेस्ट करा सकते हैं, इस टेस्ट के लिए कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 35U/ml होती है। कौन कौन से कैंसर्स में CA125 का स्तर बढ़ जाता है, तो मीन्स CA125 जो मेनली कैंसर्स के लिए कराया जाता है, वैसे तो ओवरीज का कैंसर हो गया, लीवर पैक्रिक्टियस का कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया या कॉलन का कैंसर हो गया, इन सभी कंडीशंस में जो है CA125 जो नॉर्मल वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाती है। CA125 की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से बढ़ सकती है अगर किसी पेशेंट को कैंसर नहीं है तो भी, तो कौन सी कंडीशंस होती है, कुछ बीमारीज होती हैं जिनमें CA125 की वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एंडोमेट्रियस हो गया, सिरोसिस हो गया, इन सभी जो बीमारियां हैं इनमें CA125 की वैल्यू जो है वो नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ होती है। ओवरीज का जो टेस्ट है, ओवरी कैंसर जो है उसको कंफर्म कराने के लिए CA125 के बाद भी क्या और भी कोई टेस्ट जो है वो ज़रूरी होते हैं, तो हाँ, CA125 में ही अगर जो है ओवरीज कैंसर आया है तो उससे ही डॉक्टर फाइनल नहीं कर लेते हैं, उसके बाद वो अदर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट भी कराते हैं। रिस्क फैक्टर मीन्स ओवरीज का जो कैंसर है वो किस किस रीज़न से हो सकता है, एपिथेलिया ओवरीन कैंसर की वजह से, स्ट्रोमल ट्यूमर की वजह से, जैम सेल्स ट्यूमर्स की वजह से, फैक्टर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवरी कैंसर, अगर फैमिली में किसी को पहले से कैंसर है तो भी जो है CA125 इंक्रीज़ हो सकता है, मीन्स कैंसर हो सकता है, बीइंग ओवरवेट और ऑब्वियस, अगर किसी पेशेंट का ज़्यादा वेट है तो भी कैंसर रीज़न हो सकता है, इंडोमेट्रिज्म की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, इनहेरिटेड जेन चेंजेस की वजह से भी हो सकता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। CA-125 जो है मेनली हम किस सीज़न से कराते हैं। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, इस टेस्ट को आप रैंडमली कभी भी करा सकते हैं। CA-125 का जो टेस्ट है नॉर्मली हमारा जो है हम किसी भी लैब से करा सकते हैं जो जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं।